दोस्तों आज हम माइक्रोटेक का माइक्रो आईसी का पिन का डिस्क्रिप्शन बताएंगे। ये है आपका माइक्रोटेक का माइक्रो कंट्रोल आईसी का पिन नंबर 1, रीसेट वोल्टेज इनपुट। ये रीसेट वोल्टेज इनपुट है, ये अगर सप्लाई नहीं पहुँचेगी तो ये डेड हो जाएगी। पिन नंबर 2, दिस इज एसी फ्यूज ब्लोन इंडिकेटर इनपुट। इसमें फ्यूज ब्लोन का है सिग्नल इनपुट होता है, जब इनपुट नहीं होगी तो फ्यूज ब्लोन दिखाएगा। दिस इज लो बैटरी इंडिकेटर इनपुट। ये बैटरी लो का सिग्नल घुस, जो बैटरी से 12 वोल्ट आती है उसकी सिग्नल इसमें घुसती है और नहीं जाएगी तो वो लो बैटरी दिखाएगी, 12 वोल्ट से जाती है। पिन नंबर 4, दिस इज ओवरलोड इंडिकेटर इनपुट। इसमें ओवरलोड सिग्नल इनपुट होती है, LM324 आईसी से इनपुट होती है। पिन नंबर 5, दिस इज ओवरलोड इनपुट। ये भी ओवरलोड इनपुट है, उसी से आती है 324 से। पिन नंबर 6, दिस इज बजर ड्राइव आउटपुट। इससे आउटपुट निकलता है, जो बजर की आवाज़ बजर को सप्लाई देता है। पिन नंबर 7, दिस इज नेगेटिव बायसिंग इनपुट। ये नेगेटिव इसमें सप्लाई दी जाती है। 8 नंबर, ये ग्राउंड कनेक्शन होता है, ये ग्राउंड होता है। 9, 10, दिस इज ऑसिलेशन सेक्शन पिन। ये इसमें ऑसिलेटर सेक्शन इनपुट होता है। इसमें क्या होता है आपका, वो क्रिस्टल से कनेक्टेड होता है। ये 11, दिस इज इनपुट मेंस इंडिकेटर आउटपुट। इसमें इंडिकेटर लगता है आउटपुट मेंस का। पिन नंबर 12, दिस इज बैटरी चार्जिंग इंडिकेटर आउटपुट। ये बैटरी चार्जिंग डिस्प्ले का चार्जिंग LED के लिए होता है। 13 जो होता है वो इन्वर्टर का ऑन का LED के लिए होता है। 14, दिस इज लो बैटरी इंडिकेटर आउटपुट। ये लो बैटरी जब होगा तो डिस्प्ले करेगा। पिन नंबर 14, ये LED के लिए होती है। 15, दिस इज ओवरलोड इंडिकेटर आउटपुट पिन। ये LED होती है ओवरलोड की, उसकी सप्लाई जाती है यहाँ से। दिस इज 16, दिस इज फ्यूज ब्लोन इंडिकेटर आउटपुट पिन। 16 जो है फ्यूज ब्लोन का सिग्नल आउटपुट के लिए है, वो LED जलेगी आउटपुट की, जो उसमें जो LED होती है ओवरलोड की वो जलेगी। 17, दिस इज इन्वर्टर ऑन ऑफ स्विच इनपुट। ये इन्वर्टर का ऑन ऑफ स्विच है। 18, दिस इज पॉजिटिव बायसिंग इनपुट। इसमें पॉजिटिव बायसिंग इनपुट होता है, बायसिंग के लिए किया जाता है। 19, ग्राउंड होता है। 20 नंबर, इसकी पॉजिटिव सप्लाई होती है 12 वोल्ट की। 21, दिस इज ओवरलोड इनपुट पिन। ये भी ओवरलोड इनपुट किया जाता है यहाँ से सिग्नल, अगर इसमें सप्लाई नहीं पहुँचेगी तो ओवरलोड डिस्प्ले करेगा। 22, दिस इज AC मेन्स सप्लाई सेंसिंग इनपुट। जो मेन लाइन आती है उसको सेंसिंग के लिए 22 नंबर पर घुसती है ये, अगर इसमें सेंसिंग नहीं मिलेगी तो वो चेंज ओवर नहीं होगा। पिन नंबर 23, दिस इज AC सिलेक्शन आउटपुट पिन। ये आपका रिले के लिए जाती है 23 से, अगर ये नहीं जाएगी तो रिले का आपका काम नहीं करेगा, चेंज ओवर नहीं होगा। 24, दिस इज 24, दिस इज ओवरलोड, दिस इज आउटपुट वोल्टेज लेवल सेंस इनपुट। ये आउटपुट का वोल्टेज कितना है ये इनपुट सेंसिंग के लिए इनपुट किया हुआ है। 25, नॉट यूज, तो 25 यूज इनपुट नहीं किया हुआ है। 25 जो है नॉट यूज है, यूज नहीं है। 26, दिस इज AC सिलेक्शन आउटपुट पिन यूज टू ऑन ऑफ टू चार्जिंग प्रोसेस। ये जो पिन नंबर 26 है, इसे चार्जिंग की सिग्नल जाती है, इसमें सब सप्लाई आएगी तो चार्जिंग आएगा। ये आपके जाएगी यहाँ से 555 के पिन नंबर 4 में, और पिन नंबर 3 से आउटपुट होगी। 27, 28, दिस इज स्विचिंग सिग्नल आउटपुट पिन। द स्विचिंग सिग्नल आर जनरेटेड व्हेन देयर इज नो इनपुट मेन AC सप्लाई पावर फेल। ये जब मेन लाइन नहीं रहेगी तो इससे सिग्नल निकलेगी, स्विचिंग के लिए MOSFET पे जाएगा वो। ये इसकी माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 1 में 5 वोल्ट रहेगी, पिन नंबर 2 में, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, पिन नंबर 2 में
ये पिन नंबर दो में 0 वोल्ट रहेगी, 3 में 3.5 वोल्ट, 4 में 0 वोल्ट, 5 में 0.3 वोल्ट, 6 में 0 वोल्ट, 7 में 0 वोल्ट, 8 में 0 वोल्ट, 9 में 1.5 वोल्ट, 10 में 1.5 वोल्ट, 11 में 0 वोल्ट, 12 में 0 वोल्ट, 13 में 5 वोल्ट, 14 में 0 वोल्ट, 15 में 0 वोल्ट, 16 में 0 वोल्ट, 17 में 0 वोल्ट, 18 में 3.9 वोल्ट, 19 में ग्राउंड, 20 में 5 वोल्ट, 21 में 5 वोल्ट, 22 में 5 वोल्ट, 23 में 5 वोल्ट, 24 में 2.6 वोल्ट, 26 में 0 वोल्ट, 27 में 2.7 वोल्ट, 28 में 2.7 वोल्ट। जब मेन लाइन आ जाएगी तो पिन नंबर में 5 वोल्ट, पिन नंबर 2 में 2 वोल्ट, पिन नंबर 3 में 4 वोल्ट, पिन नंबर 4 में 0 वोल्ट, पिन नंबर 5 में 0 वोल्ट, पिन नंबर 6 में 0 वोल्ट, पिन नंबर 7 में 0 वोल्ट, 8 में 0 वोल्ट, पिन नंबर 9 वोल्ट, 14 वोल्ट, पिन नंबर 10 पे 1.5 वोल्ट, 11 पर 4.5 वोल्ट, 12 पर 4.5 वोल्ट, 13 पे 0 वोल्ट, 14 में 0 वोल्ट, 15 में 0 वोल्ट, 16 में 0 वोल्ट, 17 में 0 वोल्ट, 18 में 3.9 वोल्ट, 19 0 वोल्ट, 20 में 5 वोल्ट, 21 में 5 वोल्ट, 22 में 2.5 वोल्ट, 22 में 2.5 वोल्ट, 23 में 0 वोल्ट, 24 में 2.8 वोल्ट, 25 नील, 26 में 0.5 वोल्ट, 27 में 0, 28 में 0। दोस्तों मेरा चैनल अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।